कमिश्नर को और तमाम इंजीनियर को यहाँ से आह्वान कर रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ कि आप लोग 2% लेना छोड़ दो। और जो अभी 2 साल पहले बना वो ऐसा लग रहा है कि 5 साल पुराना, क्योंकि वो कमीशन खाए है वहाँ पर। चाक पे उल्लू बैठे हाले गुलिस्तान क्या हो, मैं भी एक उल्लू उसमें का, और जब तक जिम्मेदारी ठहराओगे नहीं ये शहर ऐसा ही रहेगा। मुझे कोई शर्म नहीं है ये इस शहर को जो बर्बादी है, इस बर्बादी में अगर मैं इस कॉरपोरेशन का नगर सेवक हूँ तो मैं भी जिम्मेदार हूँ, मुझे उस चीज की जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। मैं कमिश्नर को गाली दूं, मैं कमिश्नर को बुरा बोलूं, मैं महापौर को बुरा बोलूं, मुझे वो तालीम नहीं मिली है। मैं पहले खुद को बुरा कब बोलूंगा, मैं जिम्मेदार हूं इस शहर। आप लोगों ने 47 सीट दी हमको, कितने सीट दिए 47 सीट, आवाम रस्ते पे उतरेगी अरे कितने 470 सीट देगी, 90 सीट में से 47 सीट दी हमने आपको, क्या दिया? अब हमारा काम है, आवाम का काम नहीं है। उसके बावजूद शर्म की बात है कि हमें आवाम को आवाज देना पड़ी और आवाम को इस मौसम में, इस बारिश में आवाम को हमें यहाँ बुलाना पड़ा है। सबसे पहले तो मैं इस आवाम से माफी चाहता हूँ कि शहर को हमने कुछ नहीं दिया। बारिश पूरे महाराष्ट्र में या कोकण में बहुत ज्यादा हुई, बारिश जो है भिवंडी के ब्रिज पे भी गिरी, बारिश थाना के भी ब्रिज पे गिरी, बारिश बम्बई के ब्रिज के पे गिरी। 7 करोड़ रुपया इनको MMRDA से आया हुआ है, लेकिन इनका दिमाग क्या चलता है? डाकू जो है, डाकू क्या करते हैं मालूम है कि गांव में कोई बड़े घर में शादी है तो शादी का तारीख मालूम होती है, जब से उनकी प्लानिंग लूटने की शुरू हो जाती है। ऐसे ही ये डाकू यहाँ बैठे हुए हैं, अभी 7 करोड़ आया है, आ गया है पैसा, लेकिन खर्च इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि पता नहीं कब इसको अपने को लूटना पड़े। ये सब जो है ना, इनको दुरुस्त करने का काम जो है कांग्रेस पार्टी करेगी, आप करेंगे। ब्रिज पे कितने खड्डे हैं बता नहीं सकते हम लोग, कि हम चल नहीं सकते ब्रिज में, क्योंकि हमारी कोई यहाँ से बीच बीच में ठोक रही थी, मैं देखा नहीं उसको, नहीं तो उसको तकरीर करने देता। कोई बात है, टीवी पे खबर आती है कि कहीं ब्रिज गिर गया, कुछ गिर गया, ऐसा उसका डर खौफ या गरीब बच्ची है कि कहीं ब्रिज में इतना खड्डा कहीं गिर ना जावे। कम से कम इन लोगों को चाहिए, मेरी बहन का नाम नहीं लूंगा, महापौर है वो बेचारी पति की मोहब्बत में जो है सब सही कर रही है, लेकिन मैं विलास पाटिल से कहना चाहूंगा कि आप भी सुधर जाओ, नहीं तो कांग्रेस पार्टी तो आंदोलन करती रहेगी, भगवान भी ऊपर से देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। आप जो यहाँ पे कर रहे हो सरकार से मेरी निवेदन है, हम निवेदन देने वाले हैं कि इस महापालिके का ऑडिट कराया जाए, रोड का भी ऑडिट कराया जाए, दूसरे सभी कामों का ऑडिट कराया जाए, और ऑडिट किससे कराया जाए, किससे ऑडिट कराया जाए आप लोग बताइए। जाने तो CBI BPI ये सब जो है BJP के जो है क्या नाम है तुम चल रहे हैं, ऑडिट कराया जाए। एक कमिश्नर आया था यहाँ पे मसे साहब, योगेश मसे साहब, दूसरा कमिश्नर आया था पंकज आशिया, उससे कराया जाए। आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और फिर इनको जो सजा दे क्या है, भिवंडी के साथ इस तरह का व्यवहार जो है बहुत लंबा नहीं चलेगा। अब जो है मैं आप सभी लोगों के सामने कहना चाहूंगा, हमारा अगला कार्यक्रम जो है हम लोग इस तरह से जाने वाले नहीं है। मैं सुना हूँ कि कमिश्नर भाग गया, सुना अभी पूछा कि बाबा पुलिस के लोग आए, बोले यार आप जाओगे ऊपर की, वो बोला उनको नीचे आना चाहिए, हम ऊपर अब जाने वाले नहीं है, और अगर वो नहीं आए तो इस गेट के ऊपर ताला लगाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी की।
गेट के ऊपर ताला लगाने का काम है। ताला है हमारे पास और उसके पास सिगड़ी भी है, चाबी भी है। चाबी जनता के हाथ में दी जाएगी, दिखा दो क्या है। ताला लगाने का काम हम जा रहे हैं वहाँ पर। इसके अलावा हम इनको 15 अक्टूबर दिवाली तक अगर ये सभी रास्ते, ये बार बार क्या बोलते हैं, बारिश हो रही है, डामर निकल जाएगा। पीस कमेटी मीटिंग में एक व्यक्ति, पीस कमेटी का एक मेंबर कह रहा था कि नमक में पानी डालो, अरे पानी में नमक डालो तो भूल जाता है, पानी हो जाता है। पानी में शक्कर डालो तो भूल जाता है, पानी हो जाता है। लेकिन इस शहर में बोले मैंने देखा है कि पानी में डामर डालते हैं और डामर भी